कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के मायने बड़े माने जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की। यही वजह है कि कांग्रेस में नई जान आ गई है। एक के बाद एक लगातार चुनावों में हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव संजीवनी साबित हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि 2024 में मोदी के मुकाबले कौन होगा जिस पर पूरा अपोजिशन हामी भरेगा। एक साथ कई नाम सियासी गलियारों में है। सबसे पहला नाम तो नीतीश कुमार का है जो लगातार कई रियासतों का सफर कर रही हैं और सबको मुत्तहिद करने की बात कर रही हैं। दूसरा बड़ा नाम है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का, जो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पिनराई विजयन, अखिलेश यादव, डी राजा के साथ बड़ी रैली कर चुके हैं। इसके बाद मकरीबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम आता है जो अखिलेश यादव और नवीन पटनायक के साथ मीटिंग कर चुकी हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल भी डिनर डिप्लोमेसी के तहत कई लीडरान से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच इसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस को मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी होने का तमगा हासिल है, इसलिए उसमें पोजीशन की सदारत करने की तड़प है। और दूसरी जानिब डूबती कांग्रेस को पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक में जीत का सहारा मिला है। इससे कांग्रेस को नैतिक बुनियाद पर मजबूती मिलेगी। कांग्रेस कारकुनान और लीडरान में नई ताकत आई है। आने वाले जिन रियासतों में इलेक्शन होने हैं उनमें से दो का इख्तदार कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस इन दोनों रियासतों को भी बरकरार रखने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की कर्नाटक जीत का असर बाकी अपोजिशन जमातों पर भी नजर आ सकता है। अब तक सपा, बसपा, राजद, जदयू, जद एस, तृणमूल कांग्रेस या फिर आप मरकज की सियासत में कांग्रेस पर दाव लगाने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस की कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद मरकज की सियासत में एक्टिव ज्यादातर अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस के पीछे खड़े होने को तैयार हो सकती हैं। आज बात इसी पर करेंगे कि कांग्रेस अभी जिंदा है। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक की जीत का सहारा आपके सिर बंधा। आज दिल्ली में बैठकें भी हो रही हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राहुल गांधी ने दम भर दिया है कि भैया एमपी के अंदर हम 150 सीटें लाने जा रही हैं। कोई फॉर्मूला आप बताएंगे? एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने यहां से कहकर थोड़ी आवाज तेज कराइए, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। ठीक है। और दूसरा मुद्दा यह है कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास रखती है, संघर्ष में विश्वास रखती है। यही कारण है कि जब पूरे देश में भाजपा ये कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, उन परिस्थितियों में भी कांग्रेस लगातार कोई ना कोई चुनाव जीतती रही। तो पिछले दिनों हिमाचल चुनाव और अब कर्नाटक चुनाव की जीत ने पार्टी में निश्चित तौर पर जोश भर दिया है। और अब आने वाले दिनों में जिन राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश है, उनमें राजस्थान है, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें हरियाणा भी है आने वाले समय में, निश्चित तौर पर हम ये सभी राज्यों के चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमें जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात का अंदेशा है कि उत्तर भारत में उन्हें कई जगह करारी हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए वो दक्षिण की तरफ रुख करने लगे। और अब दक्षिण में जैसे ही उनकी हार हुई है कर्नाटक में, तो इससे निश्चित तौर पर भाजपा की हालत खराब है, खस्ता है, और वो लोग फिर वही आईटी सेल के जरिए, ऋषभ तिवारी साहब, आईटी सेल के जरिए देश के 31 तारीख से मेगा कैंपने की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रचार होने जा रहा है बहुत बड़े लेवल के जरिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 2023 और 2024 आप साथ ना चाहेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी क्या कहेंगे? जो सूरत हाल नजर आ रही है, पहले आपके हाथ से हिमाचल प्रदेश गया, अब कर्नाटक गया, और अब दीगर रियासतों के अंदर जो इलेक्शन होने, कांग्रेस यहां पर भी जीत का दम भर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस में नई जान आई और कर्नाटक इलेक्शन जीतने की बात तो और ज्यादा। देखिए सबसे पहले जी सलाम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। अच्छी बात है अगर विपक्ष के अंदर एक मनोबल उनका बढ़ रहा है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए खूबसूरती की बात है। वो अच्छे से मजबूत रहे, अपने आप मोटिवेट होते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पर कार्य करते आ रही है और कार्य करेगी। हमारा एक मंडल का कार्यकर्ता भी 365 दिन मां भारती की सेवा के लिए लगा रहता है। उसी के नियमित 30 मई से 30 जून तक हम अपने कई ऐसे एजेंडे को लेकर कार्य करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता को अपने 9 साल के उपलब्धियों को बताएंगे। और जहां तक हमारे पार्टी के अंदर की रणनीतियों की बात है, चुनाव हो या चुनाव ना हो, हम हमेशा ऐसी पॉलिसी लेकर चलते हैं जो राष्ट्र के लिए प्रथम हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम करें।
विपक्ष क्या कर रही नहीं कर रही वो देश की जनता भी देख रही है। जो विपक्ष देश के संसद का बायकॉट करे, जो विपक्ष आदरणीय राष्ट्रपति जी जब नॉमिनेशन के लिए आए तो उनको एविल माइंड का कहे और राजनीतिक फायदा लेने के लिए राष्ट्रपति जी का विलाप करे, जो विपक्ष आए दिन देश में राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर सवाल खड़ा करे, तो ऐसे विपक्ष को जनता भी भली भांति देख रही है और आने वाला समय चुनाव पे वो अपना जवाब देगी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, हम हर मुद्दे पे हर विषय पे हमारा नीति और स्पष्ट रहता है कि जनता का भला कैसे हो, हमारा देश मजबूत कैसे हो।